तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का सेट वन। फिजिक्स से आज क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स जिसका ऑप्शनल है उसके लिए भी अच्छा है, और कंपलसरी में भी फिजिक्स से दो तीन क्वेश्चन आना तय ही है। साइंस से क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर कंपलसरी में भी, तो वो लोग भी वीडियो ये देख सकते हैं। बाकी जो देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं जिनका फिजिक्स है। तो ये क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का पहला ही है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है कि तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। आप तालाब के किनारे तली पर देखते हैं, मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो कहाँ निशाना लगाएगा, तो निशाना लगाएगा मछली के कुछ नीचे लगाता है, तब जाकर मछली पर लगता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दो का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि किस बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की क्या होती है, इसमें क्या रिलेशन होता है। तो दूरी के वर्ग के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है। मान लीजिए कि दूरी है r, ठीक, तो इसके वर्ग के 1/r² हो जाता है। तो इसके वर्ग के वर्गानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्गानुपाती नहीं। वर्गानुपाती तो होती है लेकिन व्युत होती है, मतलब 1/r² हो जाएगा r अगर दूरी हम ले रहे हैं तो, ठीक। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, थ्री का। क्वेश्चन नंबर फोर है कि लाल कमल को फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा। अगर लाल कमल लेकर हम लोग हरे प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, वो काला दिखाई देता है। लाल प्रकाश का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है और सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी, ये भी याद रखिएगा। सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, पूछ रहा है इनमें से कौन एक सदिश राशि है। तो संवेग जो है इसे P=mv होता है, वो एक सदिश राशि है। बाकी दाब, ऊर्जा और कार्य क्या है, अदिश राशि है। जैसे सदिश अदिश बोलते हैं वेक्टर और स्केलर को। तो इसका आंसर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती, दिन की अवधि क्या होती, अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती, तो दिन की अवधि क्या होती, वायुमंडल नहीं होने पर दिन की अवधि क्या होती थी, कम हो जाती है, ठीक, कम होती, ठीक। अगर आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं और पृथ्वी देख रहे हैं आकाश को, तो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अंतरिक्ष आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। 7वां है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग क्या होती है, सदैव, तो अनुधार्य होती है। तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुधार्य। तो जो गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग है वो क्या होती है, अनुधार्य होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि तरंग कहते किसे हैं, तो किसी माध्यम में विक्षोभ जिसे हम लोग डिस्टर्बेंस के संचरण को तरंग कहते हैं। और तरंग के संचरण के लिए द्रव्यमात्रक माध्यम आवश्यक होना चाहिए। ध्वनि तरंग की चाल कितना होती है, तो ध्वनि तरंग की चाल होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये भी याद रखिएगा। और ध्वनि तरंग से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे तरंग धर की इकाई मीटर होती है, और एक एंगस्ट्रॉम = कितने मीटर होती है, एंगस्ट्रॉम मापा जाता है इससे भाई तरंग को। तो एक एंगस्ट्रॉम किससे होती है, एक ऐसे मापा जाता है, एक एंगस्ट्रॉम कितने होती है, तो 10^10 मीटर के बराबर होती है, ये भी याद रखिएगा। और देख लेते हैं ध्वनि वाला तरंग है वो निर्वात में गमन नहीं करती, ये भी, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। ध्वनि तरंग का वेग किसमें ज़्यादा होता है, तो ठोस में अधिकतम होता है, और गैस में क्या होता है, न्यूनतम होता है, ये भी याद रखिएगा। और उसका पूछता है कि ताप बढ़ने पर क्या होता है, वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो वो बढ़ता है, ये भी याद रखिएगा। हम लोग जो मस्तिष्क में सुनी गई किसी ध्वनि का प्रभाव लगभग कितना रहता है हमारे मस्तिष्क में, तो 1/10 सेकेंड तक खारा रहता है। और मानव कान के श्रवण से हमने लिमिटेशन ऑफ एडियोबिलिटी, सुनने की जो सीमा होती है वो कितना से कितना के बीच होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक। ऐसे कर हम याद करते थे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। जैसे जैसे ध्वनि तरंग क्या होती है, टकरा कर ऐसे फिर वापस जाती है, तो इससे कितनी दूरी होनी चाहिए न्यूनतम, तो 16.6 मीटर होनी चाहिए। ऐसे कर हम क्वेश्चन देख लिए तरंग से। यदि पृथ्वी सिकुड़कर आधा हो जाए तो उसका घुरुत्व त्वरण क्या होगा, अगर पृथ्वी सिकुड़कर आधा हो जाता है तो घुरुत्व त्वरण उसका क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो होगा वो भी तो कम होगा, और ये आर स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग का गमन विस्तार किस पर निर्भर करता है। ये फिर आ गया ध्वनि तरंग पर क्वेश्चन, तो किस पर निर्भर करता है, तो तरंग की लंबाई पर, कितनी लंबाई है, ठीक। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिन ध्वनि तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंब रूप में गमन करते हुए कहलाती है, लंबवत जिसमें ध्वनि तरंगें गमन करती है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे गमन करती है, तो लंबवत जो गमन करती है वो क्या कहलाती है।
तो 10 का आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, ठीक, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल जाता है, एक वर्टिकल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है किसी पिंड का ताप, तो उसमें जो ऊष्मा हम लोग देते हैं उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो उस ऊष्मा को हम लोग कहते हैं ऊष्मा धारिता। क्या कहते हैं? ऊष्मा धारिता, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन 11 का भी हो जाएगा। एक विशेष ऊंचाई से एक रबड़ की गेंद का गिरना एक उदाहरण है। एक रबड़ की गेंद अगर किसी विशेष ऊंचाई से गिर रही है तो ये किसका उदाहरण है, दे देता है क्वेश्चन ऐसे ऐसे, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये एक समान त्वरण किससे गिरता है, ठीक। सूर्य से अधिकतम दुर्ग्रह कौन है, तो ग्रह से देखिए क्वेश्चन देता है, फिजिक्स में भी आ जाता है, भूगोल में भी आ जाता है। तो सूर्य से पूछ रहा है अधिकतम दूरी पर, तो इसमें चुनना है कौन से है, ठीक। तो प्लूटो को तो हटा दिया गया है, बावना ग्रह कहकर हटा दिया, लेकिन इसमें आंसर प्लूटो हो जाएगा अगर प्लूटो को ग्रह मान रहे हैं तो, ठीक। तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है तो प्लूटो ही हो जाएगा अगर ऑप्शन में दिया है इसमें से। तो मंगल क्या आएगा, मंगल लाल होता है, लाल दिखाई देता है। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट मैंने क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, मंगल हुआ है बृहस्पति हो गया। मंगल के अंदर कौन कौन ग्रह होते हैं, तो ये सूरज हो गया, तो ऐसे बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा। ये सब इनर प्लैनेट कहलाते हैं और इन सबका घनत्व और इन सबका आयतन ज्यादा होता है। क्यों घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक। और जो आउटर प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे कि बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, ये सब क्या हुए, यूरेनस, ये सब क्या हुए, आउटर प्लैनेट हुए, और ये गैसीय अवस्था में होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये शनि है वो पानी में भी पौर सकता है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, वो कम होता है, डेंसिटी, तो पानी में भी पूछ सकता है कौन से ग्रह पानी में तैर सकता है, तो वो शनि तैर सकता है। और पृथ्वी को जुड़वा बहन किसे बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन या पृथ्वी का बहन बोला जाता है शुक्र को, शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा भी बोला जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग है, पृथ्वी का केंद्र में तापमान लगभग कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। हाइड्रोजन बम में प्रयोग लाई गई प्रक्रिया है, हाइड्रोजन बम में कौन से प्रयोग लाया जाता है, परमाणु बम में कौन सा प्रयोग लाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार देता है, कौन से प्रक्रिया प्रयोग लाया जाता है हाइड्रोजन और परमाणु बम में, दोनों में। तो हाइड्रोजन बम में कौन सा लाया जाता है, तो ये सलयन लाया जाता है। और सूरज में भी कौन सा है, सूरज में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय सलयन ही है। क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर हीलियम के निर्माण करते हैं। विखंडन में क्या होता है कि जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब का जो नाभिक होता है ये विखंडित होता है, तोड़ा जाता है उसे, ठीक। और विखंडन होकर कौन, विखंडन तो परमाणु बम पर आधारित है, जो परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी को 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा गिराया गया था। तो विखंडन परमाणु बम, सलयन हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम परमाणु बम के कई गुना ज्यादा विनाशकारी होता है। कोक में कार्बन की प्रतिशत होती है, कोक जो होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत होती है बहुत ज्यादा होती है, 90% होती है। और कोयला का सबसे अच्छा कौन सा किस्म है, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा किस्म, उसमें भी 90-96% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है शुद्ध रूप। लुमेन किसका मात्रक है, जो लुमेन है फंडामेंटल जो यूनिट है, लुमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मापक है। जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट में लुमेन ज्योति तीव्रता का मापक है। पूछता है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा 18 का डी। पानी का अधिकतम घनत्व तो किस डिग्री पर होता है, पानी का अधिकतम घनत्व तो किस डिग्री पर होता है, आपको पता है ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वस्तु का अधिकतम भार होता है, वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो वस्तु का भार जो अधिकतम होता है वो केंद्र पर होता है, कहाँ होता है, केंद्र पर होता है, जैसे ये हुआ है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर केंद्र पर जो होगा वो सबसे ज्यादा अधिकतम भार होगा, ठीक, वस्तु का, तो इसमें पृथ्वी के केंद्र पर होगा, याद रखिएगा। नदियों में पानी बहने के लिए निम्न में से कौन सा बल लगता है, जो नदियों में पानी बहता है उसमें कौन बल लगता है, तो यहाँ दिया है घनत्व बल, गुरुत्व बल, स्थितिज बल और चुंबकत्व बल, तो इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, आपको पता है नदियों में पानी बहने के लिए निम्न से कौन सा बल लगता है, तो इसमें लगता है घनत्व बल, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यकृत दाब का क्या होगा, अगर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिए हैं तो पृष्ठ पर कार्य जो कार्य दाब है उसका क्या होगा, कितना होगा दाब, क्या होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो यह दाब बढ़ जाएगा, क्या होगा, क्षेत्रफल घटाने से दाब बढ़ जाएगा। जैसे एक सुई लीजिए और एक लोहा लीजिए, जैसे कि रड लीजिए, दोनों को क्या करेंगे कि हम उतना ही दाब से अगर कोई क्षेत्रफल को ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार हम, जैसे कि रड का क्या होता है बेस ज़्यादा क्षेत्रफल का होता है, सुई का बेस क्या होता है कम क्षेत्रफल का होता है, जैसे उसका नुकीला जो हुआ अगर वो लगाइएगा तो बहुत जल्दी अंदर तक चला जाता है,
तो इससे क्या अनुभव होता है कि अगर हम उसका क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो दाब क्या होता है, कम दाब लगाने पर भी अंदर बहुत जला चला जाता है, तो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं कहलाते हैं, जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते विद्युत रोधी कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, चालक जिसमें से धारा प्रवाहित हो जाए। धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस संबंध में पहले किसने बताया था, जो धारावाही तार का मान लीजिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये 11th का फंडामेंटल जैसे फिजिक्स है, चुंबक 12th में पढ़ना है, चैप्टर 2 में पढ़ना है, ठीक। जैसे ये कोई तार है उसमें अगर हम बिजली दे रहे हैं तो ये क्या करता है, अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर लेता है, ठीक। इलेक्ट्रिकल फील्ड और चुंबकीय मेडिकल क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसने सबसे पहले बताया था, तो ये बताया था लेंज ने, लेंज के परिमेय भी आप 12th में पढ़े होंगे, ठीक। लॉरेंज नहीं, लेंज। सितार से निकलने वाली ध्वनि किस प्रकार के तरंग है, जो सितार से ध्वनि निकलती है वो किस प्रकार की तरंग है, अरे ध्वनि तरंग है, तो अनुधर तरंग कौन है, अनुधर तरंग है, तो याद रखिएगा। तो ये आपका टॉप 25 क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन देख ले लिए। अब आपको आसानी से ये लगाने में आसानी होगा कि ऐसे क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप क्वेश्चन लगा लेंगे। तो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा वीडियो के अंत में, ठीक। वीडियो जब आपको मिल जाएगा तो बताइएगा, और मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि फास्फोरस जानवरों की हड्डी में कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जैसे जानवरों की हड्डी में फास्फोरस किस में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में पाया जाता है। गंधक का उपयोग हम लोग चर्म रोग चिकित्सा में भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा क्या, हीरा जो है ये ग्रेफाइट का प्रूफ है, और ये क्या है, शुद्ध रूप से कार्बन है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन क्या आया था टेक्नीशियम में, कि बिरंजक चूड़ को अगर पानी में मिलाया जाए तो कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें क्लोरीन ऑप्शन दिया था, ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी हम लोग कहते हैं। तो ऐसे आपका क्वेश्चन लगा, वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा, ठीक। और टॉप 200 स्टूडेंट के लिए अगर उसमें आपका जगह बनाना है, टेस्ट देना है 13 को होने वाला है, तो वो भी आपको व्हाट्सएप पर जुड़िए, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बारे में जानकारी लीजिए, ठीक। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।